नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, 2021 की जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, ये आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं यूपीएसआई के और विभिन्न राज्यों के पीसीएस के एग्जाम और आरओएआरओ लेखपाल, मतलब बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको 36 ऐसी महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में आपको बताऊंगा, जिसमें से आपको कम से कम 3 से 4 5 नियुक्तियाँ जो आपको आपके आगामी परीक्षा में मिल जाएंगी। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इसकी पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। आपको जो है इस वीडियो के पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। और देखिए, जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाए। देखिए, पहली नियुक्ति है जस्टिस संजय यादव की। अभी हाल ही में जस्टिस संजय यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। और दूसरी नियुक्ति सुबोध जायसवाल की है। देखिए, सुबोध जायसवाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई का नया डायरेक्टर बनाया गया है। और तीसरी नियुक्ति आपकी है आश्रितो बी ओलेटी की। ये जो है भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है हाल ही में। तो देखिए, फर्स्ट इवेंट और फर्स्ट अपॉइंटमेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है। तो आश्रिता बी ओलेटी कौन है, ये भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर है। और देखिए, हिमंत बिस्वा शर्मा भी हाल ही में इनको विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद का जो है परिषद में जो है चुना गया है। याद रखिएगा, हिमंत बिस्वा शर्मा को अभी हाल ही में टोटल 4 सालों के लिए विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद में चुना गया है। और एक और व्यक्ति हैं पाल एरिक हेयर, ये काफ़ी चर्चा में थे, क्योंकि इनको अभी हाल ही में दोबारा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है। और देखिए, अभी हाल ही में अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ चुना गया है। नीरज बजाज को भी हाल ही में बजाज ऑटो का नया अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए, मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियोस भी ला रहा हूँ आजकल, ठीक है। तो हर महीने का डेली करंट अफेयर वाला शॉर्ट वीडियोस केवल 1 मिनट में आप जो है पूरे दिन के करंट अफेयर को उसको देख के रिवाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा नया वाला चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर क्लिक करके उस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे मंथली पीडीएफ भी आपको फ्री में मिलेगी, तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको पूरे मंथली करंट अफेयर का पीडीएफ फ्री में मिलता रहे। देखिए, अगली नियुक्ति है डेविड बार्निया की। डेविड बार्निया इसराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख बनाए गए हैं। और देखिए, जगजीत पवाड़िया को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। और कोलिनेट माकोसो को अभी हाल ही में कांगो गणराज्य का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। और देखिए, त्रिपुरारी शरण जो है ये बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं। तो बिहार के जितने भी एग्जाम हैं, याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में ये पूछा जाएगा कि बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं, त्रिपुरारी शरण, और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार जी हैं। देखिए, एक और व्यक्ति हैं टी रविशंकर। टी रविशंकर को अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। और महेश बाला सुब्रमण्यन को अभी हाल ही में जो है जो आपका कोटक महिंद्रा लाइफ है, इसने अपना नया MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। और देखिए, ममता बनर्जी अभी हाल ही में तीसरी बार, ठीक है, याद रखिएगा, तीसरी बार जो है पश्चिम बंगाल की लगातार मुख्यमंत्री बनी है। और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं, इनके वर्तमान में क्या नाम है, बोरिस जॉनसन, ठीक है। तो बोरिस जॉनसन कौन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। और MK स्टालिन अभी हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं, याद रखिएगा। और पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री बने हैं N रंगास्वामी, याद रखिएगा, पुदुचेरी यानी कि पौंडीचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन बने, N रंगास्वामी। और देखिए, पिनराई विजयन अभी हाल ही में लगातार दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री बने हैं, इनका नाम भी याद रखिएगा। देखिए, ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, कौन दूसरी बार लगातार बना है, कौन तीसरी बार लगातार बना है, ये चीज़ हल्के मत दीजिएगा, ये एग्जाम में पूछ लेगा। और देखिए, अभी हाल ही में हिमंत बिस्वा शर्मा जो है ये असम के मुख्यमंत्री बने हैं। और जोस जे कट्टूर को अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। और देखिए, रमन मीनाक्षी सुंदरम, ये नाम भी काफ़ी चर्चा में रहा इस महीने में। देखिए, रमन मीनाक्षी सुंदरम जो है इनको भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान का निदेशक बनाया गया है। और रमेश पवार, देखिए रमेश पवार का नाम जरूर रखिएगा, एक क्रिकेटर रहेंगे, और इनको भी हाल ही में BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच बनाया है। और राहुल द्रविड़ भी काफ़ी चर्चा में रहे हाल ही में। देखिए, राहुल द्रविड़ जो है ये भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच होंगे श्रीलंका दौरे के लिए, यानी कि श्रीलंका में जो हम क्रिकेट मैच होने वाला है, तो उसमें भारतीय टीम जो जाएगी उसको कौन ट्रेन करेंगे, राहुल द्रविड़ जी। और देखिए, नरेंद्र बत्रा जो है ये दोबारा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। और सुंग किम की बात करें तो ये भी काफ़ी चर्चा में रहे।
देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी हाल ही में उत्तर कोरिया में सुंग किम को जो है अपना विशेष दूत अपॉइंट किया है। अगला नाम है मार्टिन ग्रिफिथ्स का। देखिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ब्रिटिश राजनयिक मार्टिन ग्रिफिथ्स को जो है संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख बनाया गया है। और एक नाम और आता है पीआर सीरीजस का। देखिए अभी हाल ही में जो आपके इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर हैं पीआर सीरीजस, इनको अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एथलीट समिति के सदस्य के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। और तीन नाम और आते हैं, रवि शास्त्री, बी अरुण और आर श्रीधर। देखिए ये तीनों क्रिकेटर्स हैं, रवि शास्त्री, बी अरुण और आर श्रीधर। इन तीनों को अभी हाल ही में आयरन वुड एजुकेशन के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। और सर डेविड एटनबरो, देखिए सर डेविड एटनबरो जो है इनको अभी हाल ही में इस वर्ष नवंबर में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के यूनाइटेड किंगडम प्रेसिडेंसी के लिए COP26 पीपुल एडवोकेट के रूप में नामित किया गया है। और देखिए माली गणराज्य में भी हाल ही में चुनाव हुआ था और वहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं मोक्तर ओने। और एक व्यक्ति और हैं पेनपा शेरिंग। देखिए अभी हाल ही में पेनपा शेरिंग को तिब्बत की निर्वासित सरकार का नया अध्यक्ष चुना गया है। याद रखिएगा, पेनपा शेरिंग को तिब्बत की निर्वासित सरकार का नया अध्यक्ष चुना गया हाल ही में। और एक और व्यक्ति हैं अरुण वेंकट रमन। देखिए अभी हाल ही में भारतीय मूल के जो अरुण वेंकट रमन हैं इनको अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया है। और अभी हाल ही में जो आपका सीरिया देश है, देखिए अभी हाल ही में सीरिया में बशर अल असद जो है ये चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं वहाँ की। और देखिए पाकिस्तान का जो नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है ये बनाया गया है मोहित यूसुफ को। और बात करें अगर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की, तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, इनका नाम है अजीत डोभाल। और देखिए एक व्यक्ति है राजेश बंसल, इनको जो है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो इनका नाम क्या है, राजेश बंसल। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, देखिए एक से साथ एक और प्रश्न छूट रहा है। एक प्रश्न है कि हाल ही में कौन इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है, तो देखिए इनका नाम है अनवी भूटानी। तो ये आपके टोटल 36 प्रश्न जो है कंप्लीट हो चुके हैं। और ऐसे मैं और भी वीडियोज लेते आऊँगा। देखिए जो हमारा नया चैनल है विजय गुप्ता सर, ठीक है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके इसको जरूर ज्वाइन कर लेगा ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलते रहें और इनकी PDF वगैरह आपको फ्री में मिलती रहे। तो ये सारे काम कर लीजिए। इसी के साथ मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।